टुडे इज 20th of November 2024 एंड आई एम इन पुणे विमान नगर. टुडे इज वोटिंग फॉर महाराष्ट्र इलेक्शंस, एमएलए इलेक्शंस 2024 इन महाराष्ट्र. एंड आई एम कंप्लीटिंग माय 25 डेज टुडे इन पुणे, ड्यूरिंग विच आई विजिटेड नाशिक आल्सो फॉर अबाउट अ वीक. टुडे आई विल गिव सम रिफ्लेक्शंस ऑन माय सोशल डायनामिक्स एक्सपेरिमेंट्स फॉर पास्ट अबाउट 25 डेज इन दिस एरिया. उसके पीछे कारण आपको पता होना चाहिए कि इंसान जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अजनबी लोगों से मिलता है, उनसे बात करने का अभ्यास करता है, बात से बात निकालने की कला का अभ्यास करता है, उतना वो इंटेलिजेंट, उतना क्रिएटिव, उतना इंट्यूटिव, उतना करेजियस, उतना कॉन्फिडेंट और उतना ज़्यादा नेटवर्क वाला व्यक्ति बनता है, जिसमें वो विमेन के साथ भी इंट्रैक्शन करता है. एंड इफ देर आर नॉट इनफ नंबर ऑफ विमेन इन अ मैंस लाइफ, तो वो अनजान फीमेल्स के साथ में इंट्रैक्शन बढ़ाता है, विच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग. नॉट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ मैंस लाइफ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ मैंस लाइफ इज टू इंट्रैक्ट विद as many females as possible, because if a man is not interacting with real females, real humans, real female humans, then the females that he will only know will be the females shown on the screen. क्योंकि इस दुनिया में पैसे कमाने के जो भी तरीके हैं, उनमें से जो टॉप नंबर का तरीका है वो एक मर्द की काम वासना, एक मर्द का जो अट्रैक्शन है औरत के प्रति, उसको एनकैश करके है. तो उसको एनकैश करने के लिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एड्स, फिल्म्स, मूवीज, किताबें, हर प्रकार की चीज़ें इंसान के ब्रेन पर औरत के उस स्वरूप को, उस फोटोग्राफिक और एडिटेड और फिल्टर्ड और भी एक्टेड, फेक, आर्टिफिशियल, अब तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल के साथ इंटेलिजेंस भी और आपने डाल दिया, उसके साथ में औरत के स्वरूप को इंसान के ब्रेन के ऊपर बार बार इम्प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उस इल्यूजन में फंसा रहे. ना सिर्फ उस इल्यूजन में फंसा रहे, बल्कि उस इल्यूजन को चेस भी करे और उस इल्यूजन में आकर ही चीजों को खरीदे, कंज्यूम करे और उस इल्यूजन को प्राप्त करने की चेष्टा करे हर एक औरत से, या जो भी औरत उसकी जिंदगी में आए. तो मर्द कभी जान नहीं पाता कि एक औरत क्या होती है. फॉर अ मैन, अ वुमेन इज कंप्लीटली डीह्यूमनाइज्ड, उसके लिए वो ऑब्जेक्टिफाइड हो चुकी है. सो अनलेस अ मैन इंट्रैक्ट्स विद रियल फीमेल्स इन पब्लिक प्लेसेस एज मच एज पॉसिबल, तब तक वो प्रकृति के सानिध्य में नहीं रह पाएगा. पंच महाभूतों के साथ में रहना, वायुम नमामी, सूर्यम नमामी, आकाशम नमामी, पृथ्वीम नमामी, तो नंगे पैर पृथ्वी पे चलना प्रकृति के साथ अलाइनमेंट बनाने वाली बात है. पानी के अंदर स्विम करना और अपने आप को हाइड्रेट रखना, जलम नमामी, उसके साथ एक अलायंस बनाने, एक अलाइनमेंट बनाने वाली चीज है. तो इंसान इंसान के साथ तो अलाइनमेंट बनाएगा ना, और इंसान इंसान के साथ में अलाइनमेंट बनाएगा तो या तो वो इंसान मेल होगा या फीमेल होगा. तो मेल के साथ तो अलाइनमेंट ही अलाइनमेंट है. जहां पर देखो, स्कूल में, कॉलेज में, पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, बस में, ट्रेन में, घर में, रिश्तेदारी में, हर जगह मर्द तो मर्द के साथ है ही. मर्द क्या है कि औरत के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मर्द को ये नहीं पता चल रहा कि औरत क्या होती है. तो औरत जो होती है उसको रील में पता चलती है कि ये औरत है, पोर्न में पता चलती है ये औरत है, एड में पता चलती है ये औरत है, किस्सों में, कहानी में पता चलती है कि ये औरत है, और उसकी कल्पना के अंदर पता चलती है कि ये औरत है. प्लीज अंडरस्टैंड. So it is extremely important and most prior thing than anything else. कहीं पे भी जा रहे हो, कोई स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, जॉब पे नहीं जाना, एग्जाम की प्रिपरेशन करने नहीं जाना, कोचिंग नहीं करने जाना, खाने नहीं जाना, पीने नहीं जाना, शराब पीने नहीं जाना, और किसी दोस्त से मिलने तो कतई नहीं जाना जिंदगी में, और दोस्त के साथ टाइम पास तो कतई नहीं करना. क्या करना जिंदगी में? फीमेल इंट्रैक्शन सीख करना. और फीमेल इंट्रैक्शन जब आप करेंगे तो फीमेल आपको बताएगी आपकी जिंदगी में क्या क्या कमी है. आपके बाल ठीक नहीं है, आपके दांत ठीक नहीं है, आपकी चाल ठीक नहीं है, आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, आपकी जुबान ठीक नहीं है,
आपकी आपके खाने पीने का तरीका ठीक नहीं, आपके जेब में पैसे कम है, आपकी एजुकेशन कम है, जिंदगी में कोई फायर नहीं है, जिंदगी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई करेज नहीं है, तो ये सारी चीजें एक औरत रिफ्लेक्ट करती है एक आदमी को कि उसकी जिंदगी में यही नहीं है, तो यही चीजों पे वो काम करे। तो ऑल द सेल्फ हेल्प थिंग दैट अ मैन इज डूइंग मैन विल बी डूइंग एनी वे इफ द सक्सेस इन इंट्रैक्शन विद द वूमेन बिकम्स द मोटिवेशन फॉर दैट मैन। तो ये अनजान लोगों से बात करने की कला पर काम करना, सोशल डायनामिक्स। तो सोशल डायनामिक्स में क्या है कि पुणे में हम आए तो ओशो रिसोर्ट में क्या क्या हुआ वो सब हमने डिस्क्राइब कर दिया बहुत डिटेल से। जर्मन बेकरी में जब हम गए आते ही, एक तो कोरेगांव पार्क दोबारा से बता रहे हैं शॉर्ट में वो सारी चीजें कि जो पुणे है ये बहुत सुपीरियर तरीके से पेश किया गया है दुनिया के सामने। फिर कोरेगांव पार्क, केपी, कोरेगांव पार्क को केपी बोल दिया। फिर ओशो रिसोर्ट, जर्मन बेकरी। तो जर्मन बेकरी में गए तो वहां पर क्या होता था, कैसे होता था, वहां के वेटर से बात करके, ओनर से बात करके, मैनेजर से बात करके, गार्ड से बात करके, आसपास के दुकान वालों से बात करके, जर्मन बेकरी के बारे में जो भी इल्यूजन हमारे दिमाग में था, इल्यूजन के बारे में हमने बताया कि इंसान जिस भी चीज को सुपीरियर मानता है, उसको परसू करने की कोशिश करता है, उसको मानता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है, वो सब क्या है कि 99% इल्यूजन होता है। पैसा हो, प्यार हो, ताकत हो, कोई पोजीशन हो, कोई कला हो, कोई ट्रैवल हो, किसी प्रकार की जिंदगी जो है वो इंसान को जैसी लगती है और जो जो उसको पाने की कोशिश करता है वो असल में 99% इल्यूजन होता है। ये इल्यूजन कहाँ से मिलता है, किस्सों से, कहानियों से, एड से और स्क्रीन पर जो भी कुछ होता है और इंसान की अपनी कल्पना से। तो जब इंसान उस चीज के करीब जाने की कोशिश करता है, करीब जाता है माइंडफुली, तो उस मिराज को, उस मृग मरीचिके को खत्म करने की कोशिश करता है। तो जर्मन बेकरी में जब हम पहुंच गए, वहां के सब आसपास के लोगों से बात किया कि यहाँ पर अभी क्या होता है, पहले क्या होता था और पहले क्या होता था, तो वो सब क्लियर हो गया इल्यूजन। तो जैसे दुनिया मानती है हमेशा से कि ओशो को जानती तो है नहीं और ओशो को मानती है कि ओशो सेक्स गुरु है, तो ये गंदा आदमी है, गंदी हरकतें करता है और यहाँ पे फिरंगी लोग आके भी गंदी हरकतें करते हैं और नशा करते हैं, तो जर्मन बेकरी में भी ये करते हैं। तो ऐसा हमारा भी मानना था जब हम IIT के कुछ शायद थर्ड फोर्थ या फाइनल ईयर में थे, तो उस समय ब्लास्ट हुआ था जर्मन बेकरी में, तो हमको भी यही इंफॉर्मेशन थी। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड दिस मैनी टाइम्स कि आई नेवर रेड ओशो, नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट ओशो टिल 2016। इन 2016 हमारे चक्र अवेकन हुए, तो हमको जो भी कुछ हुआ उसको समझने के लिए हम शब्दों की और परिभाषाओं की और कॉन्सेप्ट्स की तलाश करने लगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो डिस्पेंजा से, स्वामी नित्यानंद से, सदगुरु से, सदगुरु आई बीन लिसनिंग ऑफ कोर्स फ्रॉम 2011 2010 व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ IIT बॉम्बे। तो तब जाके ओशो टकराया और तब समझ में आया कि ओशो बेसिकली क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोलना चाहता था और किस प्रकार से नॉट जस्ट मिसअंडरस्टूड है बल्कि वो टोटली अंडरस्टूड आदमी है। बट उसके पहले तक जब हम पुरानी बात जब हम बता रहे हैं, जब जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ तो हमारी उसके प्रति राय ऐसी थी कि यार ये गंदे लोग हैं यहाँ पे, ऐसा ही सेक्स वेक्स सेक बाबा वा बना हुआ है, सेक्स करवाता रहता है, फिरंगियों को बुला के नशा वशा करता है, तो ये अच्छा हुआ ब्लास्ट हुआ, अच्छा हुआ। बट वो उससे चिढ़न थी एक प्रकार की, इसका मतलब क्या है कि वो कोई एक सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ था जर्मन बेकरी के प्रति, तो उसको जाके हमने तोड़ दिया। अभी क्या है कि जब ओशो रिसोर्ट क्या है, दो भाग में बना हुआ है, बीच में सड़क जाती है, लेन नंबर वन कोरेगांव पार्क की और उसके इधर और उधर बना हुआ है, तो उस एरिया में एंटर करते ही ना, हम करीब 2021 के जनवरी में एक बार वहां से गुजरे थे, दूर से देखना चाहते थे कि कैसा है, तो वहां पर ऐसा पुलिस ने और वहां की सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा वहां पर माहौल बना रखा है कि चलो चलो दूर निकलो यहां से, और फोटोग्राफी करना तो कंप्लीटली नॉट अलाउड,
फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, वहां पर रुकना, बातचीत करना, ऐसे ऐसे झांक के देखना कुछ अलाउड नहीं है वहां पर, दूर निकलो दूर निकलो। तो हमने देखा कि यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, और हमको भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि अंदर, मतलब इंफॉर्मेशन भी नहीं थी और ये जानने की हमने चेष्टा भी नहीं की कि यहाँ पर कितना दिन का कितना पैसा लगता है, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज बना रखी थी मीडिया ने और लोगों ने और बेवकूफ लोगों ने। तो हमने ये भी जानने की चेष्टा नहीं की थी, और ऑफ कोर्स उस समय हम पूना लीव कर रहे थे उस दिन, तो हमने चेष्टा ही नहीं की कि यहाँ पर कितने दिन का क्या होता है और क्या प्रोसीजर है। उन्होंने ऐसा हवा बना रखा था कि ये तो बहुत ही सुपीरियर फिरंगी एलीट की जगह है और यहाँ पर रुकना वुकना अलाउड ही नहीं है। तो उसकी वजह से वो चीज और मन में बैठ गई कि यार उस इल्यूजन को तो तोड़ना ही तोड़ना है। वो क्या हो गया और वो क्या था, वो उसको काटना ही काटना है। तो पता चला कि वहां की जो गार्ड है ना, जब वो किसी को रोब में देखते हैं ना, ये मैरून कलर का रोब, तो उसको बड़ी इज्जत से देखते हैं। मतलब वहां पे फिरंगी और इंडियन वाला डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें वो रोब वाला और नॉन रोब वाला डिस्क्रिमिनेशन है कि उसको देखते ही मतलब ऐसा सलाम टाइप का है कि स्वामी जी हैं ये तो साधक हैं, ये तो सन्यासी हैं, ओशो सन्यासी हैं। तो ओशो सन्यासी के प्रति इज्जत है। अब भले ही वो एक दिन का सन्यासी हो, एक दिन वो ड्रेस पहन के आया हो, तो ऐसे हम वहां अंदर चले गए, ड्रेस व्रेस ले ली, तो हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए दो फिरंगियों को बिठा दिया, उसमें से एक स्पेनिश था, एक ऑस्ट्रिया का था, वो जर्मन जानता था। तो उनके साथ बातचीत करते करते मैंने उनको स्पेनिश वाले को स्पेन के अंदर छेड़ दिया, स्पेनिश के अंदर छेड़ दिया, पोएदो अब्लांदे स्पेनियोल, पोएदे अब्लांदो ई प्रैक्टिकार ई अप्रेंदर स्पेनियोल, ऐसे करके। तो उसकी आंख एकदम चौड़ी हो गई कि मेरे को मेरा साथी मिल गया। और फिर बातचीत करते करते वो रजिस्ट्रेशन करते करते जब वो चला गया, और जो ऑस्ट्रिया वाला था जो जर्मन जानता था उसको भी मैंने जाते जाते कर दिया गुटेन टाग, तो उसकी अभी आंख एकदम चौड़ी हो गई। अब जब हम वहां पर गए थे ना, तो थोड़ा इन्फॉर्म करने के लिए हमको एक साउथ इंडियन मिला था वो डेस्क के ऊपर, रिसेप्शन डेस्क के ऊपर, कि ये होता है। तो हम बोले थे यस यस ओके 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 ठीक है। तो उसने फिरंगियों ने, दो फिरंगियों ने हमको बोला कि 5 मिनट वेट करो, इतनी देर में वो जाके रजिस्ट्रेशन के आगे की जो प्रक्रिया है वो साउथ इंडियन में जाके बता के आए। और इतनी देर में स्पेनिश आदमी ने उसको बता दिया साउथ इंडियन को कि ये आदमी स्पेनिश भी जानता है, तो मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया यहाँ पर, एक इंडियन स्पेनिश जानने वाला मिल गया बातचीत करने के लिए, अच्छी बात है। तो ये बात साउथ इंडियन को समझ में आ गई। तो साउथ इंडियन थोड़ी 10-15 मिनट बाद मेरे पास आया मुझे आगे भेजने के लिए। तो जब वो मेरे पास आया और आई कॉन्टेक्ट हुआ, तो मैंने उसको बोला कि एला उन्नारू, तो उसकी आंखें एकदम चौंक गई। तो बोला बागू नानू। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मिलते ही कुछ मिनटों के अंदर ही कैसे इंसान को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और उसके साथ एक अपनापन बना लेते हैं, उसके साथ में कैसे फैमिलियरिटी जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जाते ही उस जगह के हो जाते हैं, उस जगह के जो लोग हैं उनके हो जाते हैं। तो फिर लंच वगैरह हुआ तो साउथ इंडियन आदमी फिर से मिला लंच के दौरान, और हमको कहने लगा कि यू नो सो मैनी लैंग्वेजेस, आई थिंक वी आर रिलेटेड, यू आर मे बी इन योर पास्ट बर्थ यू आर समवेयर फ्रॉम वेयर आई एम फ्रॉम, बेसिकली आंध्रा। तो मैंने उसको बोला कि इफ देर इज एनी डाउट देन लेट मी क्लैरिफाई नाउ। तो फिर हम गाना गाने लग गए, पंडगला दिग विच्चावु प्राणाल को विले गिच्चावु रक्ताने रुपे किंचावु तूलो है। तो फिर क्या हुआ सोशल डायनामिक्स में, डांस वांस हुआ, बहुत कुछ हुआ, क्या क्या बताएं। वहां पर एक कपल मिले पुणे के,
उन्होंने हमको देखा डांस वांस करते हुए, बातचीत करते हुए, थोड़े इन्फ्लुएंस से हमसे भी, उनको लगा कि हम काफी फ्रेंडली टाइप के आदमी है, तो वो हमसे भी आके बातचीत करने लगे। वो पूछ लगे हम क्या करते हैं, हम कहाँ से हैं। तो हमने उनको अपना पर्चा दे दिया और ये हाथ का ऐसा दिखा दिया और ये दिखा दिया और ये बैग लेके हम चलते हैं। सोशल डायनामिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बैग लेके चलते हैं और इस बैग में ये साथ में ये बांसुरी हम ऐसे रखते हैं। तो ये बांसुरी जब हम लेकर पूरे देश में इस बैग में घूमते हैं, तो अजमेर से लेकर दिल्ली से लेकर से कोटा से लेकर से पुणे, वाराणसी, इलाहाबाद, कन्याकुमारी, सूरत, बेंगलोर और भुवनेश्वर, हर जगह हर इंसान इसको ही देखता है। ऑटो वाला देखता है, नाई देखता है, टीटी देखता है, बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हैं तो बैंक का मैनेजर देखता है, सारी की सारी लड़कियां देखती हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। तो ये पीकॉकिंग है, मतलब इससे पहले कि हमने किसी से कोई बात शुरू की, ये बात शुरू हो चुकी है, बात भी शुरू हो चुकी है, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट भी हो चुका है, उसने हमारे बारे में एक राय बना ली है कि ये तो मतलब कोई कृष्णा है, या कृष्णा वोना भी कृष्णा है, या फिर सज्जन आदमी है, संगीत प्रेमी आदमी, संगीत बजाते होंगे तो उसको बजा के दिखाओ ना। पूरे देश में जब हम ये इसको झोले को लगा के ऐसे घूमते हैं, पूरे देश में लोग हमको बोलते हैं इसको बजा के दिखाओ ना। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम उसको, अभी इसी के ऊपर बताते हैं क्या है कि यहां से ऑटो जा रहा था, हम सड़क से गुजर रहे थे, ऊपर मेट्रो थी, हमको ऑटो नहीं मिल रहा था, तो दूर जाके एक ऑटो वहां से लेफ्ट वाले लेन से निकल कर आया और उसने ऐसे मुड़ के देखा तो हमने हाथ हिलाया तो वहां पे जाके रुका और वहां से हमको देख रहा और पूछ रहा जल्दी बताना कि कहाँ जाना है ताकि मैं यस नो करके आगे निकलूं। वो दूर से जानना चाह रहा, तो मैं चल के आ रहा कॉन्फिडेंटली और मेरे हाथ में ये बांसुरी दिख रही, तो मेरी आंखों से भी जानना चाह रहा और बांसुरी को भी देखे जा रहा। और जब मैं उसे करीब आ गया तो मैंने उसको ऑटो को एकदम रिलैक्स होकर कंफर्टेबली फैमिलियरिटी से कि ये तो अपना ही तो दोस्त है। तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ पर कोई सलून वगैरह है कि यार कहीं ले चलो, तो बोला कि यार सलून तो मुझे पता नहीं है। फिर ये बार बार बांसुरी की तरफ देखने लगा, तो मैंने बोला कि पेटीएम चलाते हो, बोला कि यार मोबाइल में लोकेशन भी नहीं देख सकता, मोबाइल घर पे छूट गया है। तो बहुत ही 5 सेकंड के अंदर अंदर हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली और हमने तुरंत ही निर्णय लिया कि हमें कैसे एक्ट करना है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इस इंसान को पता नहीं कि आसपास सैलून कहाँ पर है और इसके पास मोबाइल नहीं है, उसमें ये लोकेशन देख नहीं सकता, पेटीएम एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरे पास कैश नहीं है और ये आदमी पूरी तरीके से बांसुरी को देखे जा रहा है और पूछ रहा है कि ये क्या बांसुरी, इसको बजाते हो क्या। तो मैंने उसको फुल कॉन्फिडेंस में डीएम वाली अथॉरिटी के साथ में, प्लीज अंडरस्टैंड, जिंदगी में हम 37 ईयर्स के हो गए और हमारी उम्र के काफी लोग डीएम बन चुके हैं, एसपी बन चुके हैं, अधिकारी बन चुके हैं, लेकिन वो एक वेल डिफाइंड ड्यूटी को फॉलो करते हैं और उनके ऊपर एक सरकार का हाथ है, तो हमारे ऊपर तो उससे बड़ी सरकार का हाथ है और हम, हमारी कोई वेल डिफाइंड ड्यूटी नहीं है, वेल डिफाइंड आवर्स नहीं है, वेल डिफाइंड लोकेशंस नहीं है, वेल डिफाइंड पीपल नहीं है जिनसे हमें इंटरेक्ट करना है। तो ये पूरा देश और देश के बाहर जाएंगे तो ये पूरी दुनिया, हम पूरी इस दुनिया के सीएम हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, तो पूरी सड़क पर, पूरे मोहल्लों में, गलियों में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में, हर जगह हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बात करते हैं कि हम ही डीएम हैं, हम ही एसपी साहब हैं, हम ही प्रधानमंत्री हैं, हम ही एमएलए हैं, हम ही एमपी हैं, हम ही प्रधानमंत्री हैं। मतलब अपने दायरे में अपना दायरा तोड़ने की और उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सामाजिक कायदा तोड़ने की जरूरत नहीं है और कोई भी कानूनी कायदा तोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां तो अपनी उन चेन्स को तोड़ने की जरूरत है जिसके बारे में संदीप माहेश्वरी ने वो कहानी सुनाई थी ना, वो हाथी वाली, हाथी के बच्चे वाली,
उन सब चेन्स को तोड़ते हुए जब हम सड़क पर मॉल में चलते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से ये दिखता है, मतलब कि आदमी स्ट्रीट स्मार्ट है। तो वो जो ऑटो वाला था, वो ऑटो वाला हमारी बांसुरी की तरफ देखा जा रहा, तो हमने पूरी अथॉरिटी के साथ में डीएम की तरह उसके ऑटो के अंदर बैठते हुए हमने उसको ये पूरा कॉन्फिडेंस से बोला, कन्विक्शन से, कि ऑटो चलाओ, इधर उधर घुमाओ और सलून मिलेगा मेरे लायक, ज्यादा महंगा नहीं और ज्यादा सस्ता नहीं, तो मेरे को वहां लेके चलना हो, मैं तुमको बांसुरी पीछे से बजा के सुनाता हूं। और बांसुरी का तो ऐसा है, सुनो भाई साहब, पिछले 25 दिनों से रोज पूरे पूना में किसी भी गली में घुस जाते हैं, किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, किसी भी मॉल के सामने, किसी भी स्कूल के सामने, किसी भी कॉलेज के सामने, किसी भी रेस्टोरेंट के सामने, रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाते हैं, बोलते हैं हमारा ऑर्डर ये, जब तक ऑर्डर नहीं आता बांसुरी बजाते हैं और जिसको जो सोचना है सोचे, और पब्लिक हमेशा यही सोचती है कि क्या बढ़िया बजा रहा है। क्यों? क्योंकि बढ़िया असल में मतलब ये जो काम है ना, ये हम पिछले 8 साल से कर रहे हैं, कहीं पर भी बजाना, कहीं पर भी अभ्यास करना, तो असल में ऐसा नहीं है कि ये आदमी बढ़िया बजा रहा है क्योंकि इसने बहुत अभ्यास किया हुआ है, असल में इसका अभ्यास ही चल रहा है। और इस अभ्यास के चलते ही जितना 8 साल से 7 साल से बजा रहा है, उससे अभी थोड़ा और एक्स्ट्रा बजा रहा है, और अभी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, इस शहर में दूसरे स्थान पे चला जाएगा या किसी दूसरे शहर में चला जाएगा, दूसरे लोग होंगे, दूसरा मौसम होगा, तो वहां के लोग भी यही सोचेंगे कि कितना बढ़िया बजा रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि इसके पहले भी मैं ऐसे अभ्यास कर रहा था, और उस समय भी अभ्यास ही कर रहा हूँ, और उसके बाद भी अभ्यास ही करते रहूंगा, हमेशा अभ्यास ही करते रहूंगा। लोग बदल जाते हैं, ऑडियंस बदल जाती है, जगह बदल जाते हैं, मौके बदल जाते हैं, लोगों को लगता है कि वाह वाह क्या बजा रहा है। तो हम बजाने लगे तो पूरे पुणे में हम ऑटो में घूम घूम के भी बांसुरी बजाते हैं, हर एक सिग्नल पे बांसुरी बजाते हैं, और कभी कोई बच्चा मुड़ के देख रहा है, कभी कोई लड़की मुड़ के देख रही है, कभी कोई बुढ़ा मुड़ के देख रहा है, कभी कोई ऑटो वाला मुड़ के देख रहा है, कभी क्या देख रहा है, कोई पान वाला बोल रहा है और बजाओ ना और बजाओ ना। तो हमको पता है कि हमने बांसुरी बजा दी ऑटो के अंदर बैठ के, और बांसुरी वाला, सॉरी, जो ऑटो वाला है वो पूरी तरीके से एंटी म्यूजिक और एंटी बांसुरी नहीं है, तो उसको हम मस्त कर देंगे। तो हमने फुल कॉन्फिडेंस में, डीएम वाले कॉन्फिडेंस में उसको बोला कि हम पीछे बैठ के बांसुरी बजाते हैं, तुम तो ऑटो चलाओ और सलून दिखेगा हमारे लायक तो रुकाना। तो हम बजाने लगे, तो मस्त ऑटो चलाने लगा, हम बजाने लगे, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, ओ मेरे मितवा। यहाँ पे कुछ कुछ सुपीरियर्स हैं, वो अपनी स्कूटी पर पीछे बिठाकर हमको पुणे घुमाते हैं, हम पूरे पुणे में पीछे बैठ बैठ के बांसुरी बजाते हैं, फुल खुल्लम खुल्ला, कोई जिसको जो सोचना है वो सोचे, चक्र एकदम खुले साफ आकाश की तरह विस्फोट हो चुका चक्रों के अंदर। तो जब चक्रों के अंदर विस्फोट हो जाता है ना, तो बांसुरी में हम घुसे रहते हैं ना, तो बांसुरी में से कभी कभी अपने आप आवाज आने लगती है और उंगलियां अपने हिसाब से चलने लगती है, और मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, लेकिन कुछ तो ऐसा हो गया जो कि मजा आ गया। तो हम उसको सुनाने लगे, तो सिग्नल पर रोक के बोला कि यहाँ पर कोई सलून होगा, तो हमने बोला होगा मतलब क्या, और हमको लगता नहीं यहाँ पर होगा। तो हमने क्या किया, बांसुरी कंटिन्यू की, हम बजाते रहे बजाते ही रहे बजाते रहे, और वो भी ऐसे मस्त होता रहा सिग्नल पे खड़ा खड़ा। फिर वो बोला कि यार तुमको सलून चाहिए ना, तो वो क्या मुसलमान आदमी था, मुसलमान तो ये सब सलून वगैरह में रहते ही हैं, तो उसका कोई मुसलमान दोस्त का कहीं सलून था दूर, तो कहीं जाके 15-20 मिनट ऑटो चला के वो, तो उसने बोला चलो मैं तुमको सलून लेके चलता हूँ। तो हम बांसुरी बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे उसके ऑटो में, तो वो कहीं अपने दोस्त के, मुस्लिम दोस्त के सलून में लेके जाके उसने सामने छोड़ा, और जब वो ऑटो वहां पे रुका तो वहां पर अपने दोस्त को बोला कि ये भाई की ये, फिर मैंने उसको रास्ते में ये भी बोला था कि यार तुम चलाओ और तुमको मैं पैसे दे दूंगा, मेरे पास थोड़ा बहुत कैश है। तो बोला क्या उस्ताद, यार कलाकार आदमी से थोड़ा मैं पैसा लूंगा। तो वो ऑटो चलाता रहा और फिर उस दुकान के सामने रुकाया, तो भी हम बांसुरी बजाते रहे, और फिर वो सारे के सारे अपना काम छोड़ के देखते रहे।
सलून वाले। तो फिर हमने बांसुरी रोकी तो इसने उसको इशारा करके बोला कि ऐसा इनको सर्व कर देना। तो जब हम घुसे तो वहां पर सब लोग ऐसे चौंक गए कि पता नहीं कौन हीरो आ गया कौन सा स्टार आ गया। तो हम धीरे धीरे अंदर घुसने लगे, हमने बोला कि ये हमको शेव कराने का है। तो एक तो हमारे लिए सीट वीट ऐसे खाली कर दी कि जैसे कोई तो महाराज आ गए और फिर ये बैग हमने टांग रखा और ये बांसुरी हमने ऐसे डाल ली और फिर हम सलून में अंदर एंटर हुए थे। तो वो उसने क्या कपड़ा वपड़ा ऐसे बांध दिया और फिर लोग बात करने लगे, बांसुरी तो अच्छी बजा रहे हो, बांसुरी तो अच्छी बजा रहे हो और तुम तो बहुत पहुंचे हुए आदमी हो, ऐसा मतलब उनको लग गया कि ये अल्लाह का नेक बंदा है। तो वो बोला कि थोड़ा और बांसुरी बजाओ ना, मतलब ये जो आदमी वहां पर तीन लोग काम कर रहे थे, तीन कारीगर थे, उनका जो ओनर था वो थोड़ा यंग था, जवान लंबा चौड़ा था, पठान जैसा था और जिन जैसे उसने बाल बड़े कर रखे थे और सुरमा लगा रखा था, थोड़ी दाढ़ी थी, बॉडी बिल्डर भी था। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था हमारी बांसुरी से। तो वो बोला कि यार बांसुरी तो तुम्हारी और सुननी थी दादा। तो उसने बोला कि, तो हमने बोला कि ठीक है दाढ़ी बना दो उसके बाद। तो उसने ऐसा बोला कि दाढ़ी बनाते बनाते भी तो बजा सकती हूँ, मतलब इतना वो बेताब हो रहा। मैंने बोला दाढ़ी आप बनाओगे मैं कैसे बजा लूंगा। तो वो बोला कि एक काम करो पहले बजा लो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है नेकी और पूछ पूछ, हमको तो मौका चाहिए कि ऑडियंस मिल जाए। बेसिकली क्या है कि ये प्राकृतिक जीवन है, ऑथेंटिक जीवन है, नेचुरल जीवन है, ऑर्गेनिक जीवन है। ये जो इतने रील हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, उसमें आपने ये कर दिया वो कर दिया, ये जो भी वर्चुअल दुनिया है, उस वर्चुअल दुनिया में जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हम वास्तव में हूं, वो सब क्या दब गया है। और जो भी आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो वास्तव में वो नहीं है, वास्तव में वो एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड टीम के साथ स्क्रिप्ट पे काम किया हुआ, वीडियो एडिटिंग पे काम किया हुआ, कैमरा लाइटिंग पे काम किया हुआ एक प्रोडक्ट है, एक माया है। जैसे फिल्म बनाई जाती थी, यशराज चोपड़ा जो फिल्म दिखाता था तो वो एक मायावी आदमी था, वो माया क्रिएट करके दुनिया के सामने दिखा रहा है कि ये ले लो DDLJ। बट हम यशराज चोपड़ा थोड़ी ना है, हम तो वो है जो कि कोई हुआ ही नहीं पिछले 5000 सालों में भी, 10000 सालों में भी। हम तो उतने यूनिक और ऑर्गेनिक और प्रकृति से अलाइंड आदमी है। तो वो उतनी ऑडियंस, उतना मान, उतना सम्मान हमें नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इससे कुछ दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जीवन यही है, तो हम यही करेंगे। हमारा फर्ज है कि अपने आप को साधना और अपने आप का दिखावा करना कि हम इतने सदैव हैं। तो कोई इतनी साधना के कुछ सम्मान दे दो, कुछ पैसे दे दो, कुछ वाह कर दो, कुछ हमारे जैसे दोस्त बन जाओ और जैसा हमने जीवन जिया है इससे प्रेरित होकर तुम भी ऐसा जीवन जीने लग जाओ, तुम भी अभ्यास में लग जाओ और समय का सदुपयोग करो। मैं ऐसा नहीं हूं कि घर पे बैठ के वो रियाज करता हूं, किसी गुरु के शरण में गया था वहां से सीख के आया और तुम्हारे सामने, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारे सामने हूं वैसे मैं हर गली में हूं, वैसे हर कमरे में हूं, वैसे अजमेर में, वैसे दिल्ली में, वैसे बांसुरी तक पू 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 कर रहा हूं। तो वो जो जिन था वो हमारी तरफ एकदम इन्फ्लुएंस हो गया और फिर वो बोला कि बांसुरी बजाओ। तो मैंने बोला कि ये बांसुरी फिर दो। वो पीछे सीट पर हमने बैग रख दिया था पीछे सोफे पे और मैंने दूसरे वाले उसको बोला कारीगर को या उसी को बोला कि देना बांसुरी बजाते हैं। तो आप सोचो मतलब विद इन 5 मिनट्स वो लोग इतने ज्यादा हमारे प्रभाव में आ गए कि जो दूसरा कारीगर था उसने इस बैग में से ऐसे निकाल के बांसुरी नहीं दी हमको, उसने ये सम्मान पूर्वक ही बैग ही हमको दे दिया कि दादा ये तो आप बैग ही आप पकड़ो। तो उसने ऐसे दे दिया, फिर उन्हें बांसुरी निकाल के वापस बैग उसको दे दिया। तो हम बजाने लगे तो ये सब मस्त होने लगे। तो फिर हमने और कॉमेडी कर दी वहां पे कि क्योंकि उसने वो बांध दिया था ना हमारे गले में, तो हमने उसको बोला दादा ये तो खोल दो तो जब उसने खोला फिर हमने बोला कि अब हम अच्छे से बजाते। तो जब हमने अच्छे से बजाया तो ये जो आदमी था ओनर वो एकदम लेट गया, मतलब बोला कि बताओ कहां सब्सक्राइब करना है, कहां इंस्टाग्राम पे, ये वो फटाफट उसने कर दिया। और फिर दाढ़ी ऐसे बनाने लगे जैसे शहनशाह की दाढ़ी बना रहा हूं।
और उसके बाद बोला कि तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो भाई, बहुत पहुंची हुई चीज हो। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में हमारी तरफ से अटेंशन खींच के वो लोग अपने डिस्कशन में चले गए। वो क्या बात कर रहे थे, उस टाइम शायद शाम के 5 बज रहे थे, और वो लोग शुक्रवार की बात है जिस दिन हमने ओशो मेडिटेशन फॉर लवर्स वाला लेक्चर शूट किया था, उसके पहले की बात है वो। उस टाइम शुक्रवार को जुम्मे की नमाज से वो लौटे थे, तो आपस में बात कर रहे थे कि जो नया मौलाना आया है ये तालीम पर बहुत ज्यादा जोर देता है और बहुत अंग्रेजी बाज आदमी है, उसकी भाषा बहुत बारी है, समझ में नहीं आती है। तो जुम्मे की नमाज में जो बयानबाजी हो रही थी उसको वो जिक्र कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी बातें बीच में डालना शुरू कर दिया और इस्लाम का ज्ञान डालना हमने शुरू कर दिया। तो उनको लगा है ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये ऐसा आदमी है कि मतलब संगीत के मामले में भी, और दिख उस आदमी का पहनावा भी ऐसा, मतलब कोई समझ नहीं पाता है कि ये आदमी स्पिरिचुअल है कि रिलीजियस है, कि ये हिप्पी है, कि नशेड़ी है, कि ये इंटेलेक्चुअल है, कि ये संगीतज्ञ है, कि ये योमैन है, ये फिर आज के कल्चर का यूरोपियन कल्चर, जैसे बाल वाल ऐसे खड़े करके रखना ठीक है, और शर्ट वर्ट ऐसी पहन लेना, मतलब कच्चा हमारा जो होता है कभी कभी, वो कच्छम का कच्चा अंदर सूख रहा है, कच्चा हमारा जो होता है वो जयपुरी होता है, और कभी शर्ट हमारी ऋषिकेश की होती है या फिर एलएसडी वाली शर्ट होती है, और हमारे हाथ में कभी अमरूद होता है, हम अमरूद खा रहे होते हैं, और कभी बांसुरी बजा रहे होते हैं, और बाल खड़े होते हैं, तो लोगों को समझ में आता नहीं, बहुत ही मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स से कैरेक्टर लेकर हम घूमते हैं। ऑफकोर्स उसके पीछे हर एक चीज के पीछे कारण है, बट जब उसको ऐसा लगा कि यार ये संगीतज्ञ आदमी और ये इतना बड़ा ये कुछ कंटेंट क्रिएटर है और ये इस्लाम के बारे में भी इतना कुछ जानता है, तो दादा आप जुम्मे की नमाज पे चलो अगली बार बयान में हमारे साथ। तो मैंने बोला नेकी और पूछ, इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत तो नमाज है, जुम्मे की नमाज है, वो गैदरिंग है, वो लीडरलेस गैदरिंग है, और वो रिकरिंग गैदरिंग है जो पिछले कई सदियों से हो रही है, और उसने इस्लाम को इतना सशक्त बना के रखा हुआ है, और ये बात हम सुपीरियर्स को कहते हैं, सुपीरियर्स सारे के सारे बेवकूफे ऑनलाइन व्हाट्सएप पर फेसबुक ये सब करते रहते हैं। अबे जमीन पर उतरो, इंसान से इंसान मिले तो कुछ ताल से ताल मिले। तो हमने बांसुरी बजाई, फिर वो मस्त हो गया, उसके बाद वो बोला कि बैठो और चाय नाश्ता वगैरह करो, तो फिर वहां से हम जाने लगे। तो इतनी देर में कुछ मुसलमान वहां पर थे जो चले गए थे, हमारी दाढ़ी बन रही थी, तो जब हम जाने लगे तो फिर वो आ गए और हमको बोलने लगे कि यार हम तो तुम्हारी वजह से वापस आए हैं, तुम्हारी बांसुरी सुननी थी। तो उन्होंने वापस हमको बुलाया और बांसुरी हमको बोला कि बजाने के लिए, तो हम बजाने लगे। फिर उन सब ने हमारा नंबर ले लिया, हमने भी वो ओनर का नंबर ले लिया, तो जुम्मे की नमाज को हम जाने वाले हैं और देखने वाले। इस बीच वहां पर कोई सत्संग, कोई सभा, कोई गैदरिंग, कोई परफॉर्मेंस, कुछ प्रोग्राम बन सकता है क्या? अच्छा, तो अब हमको वहां से जाना था वापस केपी कोरेगांव पार्क, तो हम उसको बोलते ऑटो मिलेगा क्या यहाँ से, तो बोला यहाँ से ऑटो तो मतलब वॉकिंग, तो यहाँ से नहीं है, ऑटो में जाना पड़ेगा। तो हम ऑटो ढूंढने लगे, इसने मना कर दिया, उसके साथ ये हो गया। तो हम थोड़ा दूर जाके, लगभग 100 मीटर दूर जाके ऑटो पकड़ने लगे। तो जैसे ही हम ऑटो ने स्वीकार किया हमको और ऑटो के अंदर हम बैठ गए, हमने बाहर देखा तो वो जो था ना, वो ओनर जिन वाला जिन था, वो हमारी तरफ आने लगा और वो ऑटो में झुक के ऐसे भाई भाई ऐसे ऐसे करने लगा। क्या समझे? तो एक ये इंसिडेंट। अच्छा, इस बीच अब जैसे कि कल मुकुंदानंद का MIT पुणे के अंदर था लेक्चर 5:30 से 8:30, जंगली महाराज रोड पर हम जब उस एरिया में थे 2-3 दिन के लिए, FC रोड पर और जंगली महाराज रोड पर हम अनजान लोगों से बात करने का लाख अभ्यास करते थे, खूब बांसुरी बजाते थे, अपने पैम्फलेट्स बांटते थे और ऑफ कोर्स बहुत सारी लड़कियों से बातचीत करते थे। तो उसी दौरान वहां पर ये मुकुंदानंद, हम उस टाइम 4 बज रहे थे, कल की बात है, 4 बज रहे थे, और हमको पता नहीं था कि आगे क्या करना है, बस जिंदगी में एक एक पल फ्रेशनेस के साथ में, स्पॉन्टेनिटी के साथ में, बेसिकियत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में जीना है। तो कल शाम को 19 नवंबर शाम को 4 बजे हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, यही चल रहा था कि एकदम फ्रेश स्पॉन्टेनिटी के साथ में जीवन जीना है। तो देखा कि सामने एक छोटा सा पोस्टर आ गया कि MIT पुणे के अंदर ये आपका स्वामी मुकुंदानंद का लेक्चर है।
तो मैंने बोला स्वामी मुकुंदानंद को बहुत कम जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि आईआईटी मद्रास का है, फिर आईएम का आदमी है। बाद में देखा तो करीब 2.89 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एमआईटी पुणे में लेक्चर है। तो हमने सोचा कि जाना चाहिए, बाबा जी को देखने को मिलेगा, बाबा जी का तौर तरीका सीखने को मिलेगा, बाबा जी की दुकान कैसे चल रही है, और एमआईटी पुणे। फिर वही आईआईटी बॉम्बे वाली बात आ गई कि पहुंच तो गए हम आईआईटी बॉम्बे में, बट आईआईटी बॉम्बे की बाहर की दुनिया देखने को मिली नहीं, हमने खुद अपने दम पर उसको जिया। और फिर वहां पर कुछ पुणे के लोग आ जाते थे, और आईआईटी बॉम्बे में जब तक हम रहे पुणे बहुत सुपीरियर चीज है, ऐसा बताया जाता था। औकात दो कौड़ी की नहीं एमआईटी पुणे की आईआईटी बॉम्बे के साथ में सामने, लेकिन आईआईटीएस को ऐसा बताया जाता था कि एमआईटी के पुणे के बंदे बड़े एडवांस होते हैं और बड़े यू मैन टाइप के होते हैं, उनके पास तो गर्लफ्रेंड्स होती है, लड़कियां होती है, और यू मैन यू यू टाइप के होते हैं, यू होते हैं यू यू, तो यू यू कर करके हमारा दिमाग में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया एमआईटी पुणे का। तो हमने सोचा कि यार अब तो नहीं है, बट तब भी था, तो जो भी था देखे तो क्या है, ये देखे तो सही एमआईटी पुणे है क्या। तो तुरंत हमने निर्णय लिया कि हम 5:30 से 8:30 का लेक्चर अटेंड करेंगे एमआईटी पुणे का। तो लेक्चर अटेंड किया एमआईटी पुणे का, देखा कैसे कैसे चलता है। तो एमआईटी पुणे हमने चार्ट लिया पूरा, अंदर जाके अंदर लड़कियों वगैरह से बात करके। फिर जब बाहर आए तो एमआईटी पुणे के बाहर आके जो चाय सुट्टे की और टपरियां होती हैं खाने पीने की, पिज्जा मोमोज बर्गर वगैरह ये सब, तो वहां पर लड़के लड़कियां रहती हैं। तो उनमें क्या है कि जो सिगरेट पीने वाली लड़कियां होती हैं, सिगरेट पीने वाली कॉलेज की लड़की हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंटर ऑफ अटेंशन है। मतलब सिगरेट पीने वाली कॉलेज की जो लड़की है ना, मतलब कैसा है आपकी सोसाइटी में कि इंसानों को कई कई सदियों तक एक बहुत ही मोनोटनस और बोरिंग और इरेशनल और पुराना, मतलब उस समय उसकी वैल्यू हुआ करती थी 2000 साल पहले, आज उन तौर तरीकों की, उन रीति रिवाजों की, उन संस्कृति की, उन संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। तो 2000 साल तक इंसान एक ही मोनोटोनस संस्कारों के अंदर जीता रहता है, तो सोचता है कि अब ये क्या कचरा मेरे को पिना रखा है कि अब इस तरीके से जीना छोड़ के उस तरीके से जीते हैं। तो जो भी ये एक मॉडर्निटी आ गई है और जो आधुनिकता आ गई है, ये जो बाजारवाद आ गया है, ये जो यूरोपियन वाद आ गया है, ये असल में क्या है, लोग बोल रहे गलत है। अरे गलत नहीं है, जो तुम कर रहे थे ना वो पहले से गलत है, गलत का एक गलत ऑल्टरनेटिव है। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी वेरी क्लियरली। जो पहले हो रहा था वो भी गलत हो रहा था, और जो आज हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है। तो ये बहुत गलत से बहुत गलत का जो ट्रांजिशन है ना, उसके पीछे बहुत सही आदमी है ना, इसको लोग बुला दिए, और बहुत गलत से बहुत गलत के ट्रांजिशन में बहुत सही आदमी, जैसे और भी बहुत सही जो आदमी है ना, जैसे कि आचार्य रजनीश और राजीव दीक्षित, ये इनको बुला दिया गया। पवन जूरी, आरसीएम, ये असली क्रांतिकारी हैं। विजय सिंह पथिक, सावरकर, भगत सिंह कि वो बातें जो वो बताना चाहता था राइट टू रिकॉल वाली, तो ऐसी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को बुला दिया जाता है गलत से गलत के ट्रांजिशन में। तो जो लड़की है ना, उसको जो पहले संस्कार दे रखे थे ना, वो भी गलत थे, प्लीज अंडरस्टैंड। और वो कितने गलत थे, इसको पूरे 5-6 घंटे के अंदर पूरा डिटेल में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के माइक्रोस्कोप से आपको दिखाकर, हमने सेक्सुअल सिलेक्शन की जो 10 पार्ट्स की सीरीज है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि लड़की के संस्कार पहले ही गलत थे। तो गलत संस्कार से गलत संस्कार में जो ट्रांजिशन किया है ना, उसकी वजह से वो पिज्जा खा रही है, मोमोज खा रही है, बर्गर खा रही है, चाय पी रही है, सुट्टा मार रही है पब्लिक में खड़े होके। तो उसको उस गलत से बचाने का मतलब, वो जो गलत संस्कार में पहले से जो औरतें हैं ना, उसको उनको बचाने की जिम्मेदारी किन की, वो हमारी है। वो जो गलत संस्कार से गलत संस्कार में ट्रांजिट हो गई, जो लड़की सिगरेट पी रही है पब्लिक प्लेस में सड़क पे खड़े होके या प्राइवेटली भी पी रही है, तो वो भी उसको बचाने की जिम्मेदारी अबे कौन लेगा। तुम्हारी सोसाइटी में कभी मर्द थे क्या? आपकी सोसाइटी में कभी कोई मर्द थे क्या? और आज भी है क्या? और आपको कोई आशा लगती है कि अब बचेंगे? भारत में 50+ जेंडर्स लीगलाइज हो चुके हैं, मतलब तू औरत है तू मर्द है। और अब जैसे लेट से 50 हैं, 50 जेंडर्स हैं, तो उसमें से एक मेल फीमेल देन G1 G2 G3 G4, तो ऐसे अलग अलग 48 जेंडर्स आ जाएंगे। तो अब आपको लगता है कि मर्दानी कुछ बची है?
मर्दानगी कभी थी ही नहीं। मैं तो ऐसे एक भी आदमी को नहीं जानता भाई साहब। मैं पूरी मानव जाति के इतिहास में जितना भी कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है, कोई बाबा आए हुए हो, क्रांतिकारी आए हुए हो, कोई शूरवीर आया होगा, कुछ भी आया हुआ, मैं तो एक भी आदमी को नहीं जानता भाई साहब मानव जाति के इतिहास में। नॉट इवन काल्पनिक कैरेक्टर लाइक शक्तिमान और स्पाइडरमैन, विच आई एडमायर अलॉट, बट इंक्लूडिंग एवरी माइथोलॉजिकल काल्पनिक कैरेक्टर, एवरी मैन दैट इन रियल और इन माइथोलॉजी एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऑन दिस प्लैनेट, उसमें एक भी आदमी असली और सच्चा मर्द नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो औरत को पुराने गलत संस्कारों से निकालकर सुपीरियर बना सके और नए गलत संस्कारों से भी पीछा छुड़ा के उसको सुपीरियर बना सके, ऐसा एकमात्र इंसान यदि कहीं हो सकता है तो वो ये है हितेश शाक्य। प्लीज अंडरस्टैंड, और ये सारी बातें खोखली छिछली नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज द कंक्लूजन ऑफ द 6 आवर लेक्चर। प्लीज अंडरस्टैंड, तो वो जाके आप सुन लेना, आपको सच्चाई पता चल जाएगी हम कौन हूं। अभी 40 प्लस हो चुका है ये लेक्चर, तो इसको हम यहाँ पर रोकते हैं और अगले पार्ट में और कुछ भोंकते हैं।